अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद अक्षा। तो आज हम लाए हैं अपने किचन में आपके लिए चिकन चंगेजी। हम चिकन चंगेजी बनाने वाले हैं। ये हमारा 1.5 kg चिकन है जिसे हमने वॉश करके एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इसे हमने लेग के साथ लिया है मिक्स। और इस तरीके से हमने बीच में इसे छुरी से अपनी से लेग में कट लगा लिए हैं ताकि हमारा मसाला इनके अंदर चला जाए अच्छे से। मैरिनेट करेंगे हम अपने चिकन को पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना इसमें 1 tsp के करीब नमक डालेंगे ताकि नमक हमारे चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए और इनके अंदर चला जाए। 1/2 tsp हम अपना गरम मसाला डालेंगे। वन टेस्पून के करीब हम अपना ये रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे अपना, और 1/2 tsp ही हमारा इसके अंदर चाट मसाला जाएगा। और ये 2 चुटकी के करीब हम अपना फूड कलर डालेंगे इसके अंदर। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये चंगेजी में चला जाता है तो चंगेजी का कलर अच्छा हो जाता है। ये हमारा 2 tsp लहसुन का पेस्ट है और ये 2 tsp ही हमारा अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा हमारा इसके अंदर। और ये छोटी वाली हमारी 1 कटोरी दही है। दही आप पतली ना लें, दही इसके अंदर गाढ़ी ही जाती है। तो रस है जिसे हमने निकाल लिया था, ये जाएगा हमारा इसके अंदर। आप नींबू का रस जरूर डालें, इससे हमारी चंगेजी में एकदम अच्छा टेस्ट आएगा। ये 2 tsp के करीब हमारा ऑयल है, आप इसमें ऑयल भी जरूर डालें, इससे हमारा चिकन एकदम सॉफ्ट सा हो जाएगा, एकदम जायकेदार। अब इसे हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चमची से मिक्स करें या हाथ से, सबसे अच्छा वैसे ये हाथ से मिक्स होता है। हम भी इसे हाथ से ही मिक्स करेंगे और तकरीबन इसे हम 1.5 या 2 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे मैरिनेट करने के। आपके पास अगर टाइम हो तो आप कम से कम 1.5 या 2 घंटे के लिए इसे छोड़ें, और नहीं तो आप 2-3 घंटे के लिए इसे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप इसे मैरिनेट के लिए छोड़ेंगे उतना ही अच्छा हमारा चिकन बनेगा, ये एकदम सॉफ्ट और बढ़िया एकदम जायकेदार। अब इसे हम मिक्स करके ढक के छोड़ देंगे हम इसे तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। तब तक हम बाकी चंगेजी की तैयारी करते हैं। देखिए, हमने एक पैन चढ़ा दिया अपना गैस पे, इसमें हमने अपना 2 चमचे ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें हम अपनी ये कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। हमें इसका कलर डार्क नहीं करना, बस हल्का सा गुलाबी तक सेकना है। देखिए, हमने अपनी प्याज को 2 मिनट के लिए चला लिया। अब इसमें हम अपने ये 1 कटोरी काजू ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें अपनी हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 2-3 मिनट के लिए इन्हें भी सेक लेंगे हम। देखिए, आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं हमारी प्याज और मिर्च और काजू को फ्राई होते होते। आप देख सकते हैं हमारे काजू का कलर भी चेंज हो चुका है, हमारी प्याज का भी। अब इसमें साथ ही हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अपने टमाटर को फ्राई करेंगे, फिर ठंडा करके हम इसे मिक्सी के जार में इसका पेस्ट बनाएंगे। हमने अपना सारा सामान निकाल लिया है। अब इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपनी क्रीम तैयार कर लेते हैं मिक्सी के जार में। ये देखिए, हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है। ये हमारी दूध से उतरी ही मलाई है फ्रेश, हम ये डाल देंगे, अपनी सारी मलाई ऐड कर देंगे हम। 1 कटोरी दही है, एकदम हमारा गाढ़ा दही है, खट्टा नहीं है ये, ये भी ऐड कर देंगे हम। और इसे हम सिर्फ 2 सेकंड के लिए मिक्सी के जार को हम 2 सेकंड के लिए घुमाएंगे। 2 सेकंड के लिए अपनी क्रीम को घुमा लिया है। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हमारी क्रीम तैयार हुई है। आप चाहें तो अमूल की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट हम अपने घर की दूध से उतरी ही मलाई ही चंगेजी में ऐड कर देते हैं। ये इसका जायका बहुत अलग होता है और ये हमें अच्छी भी लगती है। आप देख सकते हैं, तो हमारी क्रीम भी रेडी है। तब तक हमारा सामान भी ठंडा हो चुका है, हम देख लेते हैं, फिर हम अपना पेस्ट बनाएंगे। हमारा सामान ठंडा हो चुका है, अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल के घुमा लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे फाइन। हमारा पेस्ट इसके रेडी हो चुका है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी चंगेजी बनाना। चंगेजी बनाने के लिए हमने गैस पर अपना भोना चढ़ा दिया, इसमें हम अपने 2 चमचे ऑयल ऐड कर दिया जो हमने
चंगे जी मैरिनेट करके रखी थी अपना चिकन, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हम अपने ऑयल में भुनने देंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसे भुनने में। तब तक हम अपना एक पैन में मसाला तैयार कर लेते हैं चंगे जी का। मसाला बनाने के लिए हमने अपना पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम अपना ऑयल ऐड करके गरम कर लिया है। अब इसमें हम अपना 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ही अपना ये अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1 टेबल स्पून और डाल देंगे। साथ ही ऐड करेंगे अपने मसाले, 1 टेबल स्पून अपना हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून के करीब अपना धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हमारा नमक जाएगा, 2 टेबल स्पून के करीब अपना मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक रख सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी दही, चला लेंगे अपने मसालों को। साथ ही ऐड करेंगे अपना पेस्ट टमाटर का और काजू का और प्याज का जो हमने पीस लिया था। सारे मसाले हम मिक्स करके तकरीबन इसे 6 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। उधर ही साथ में हमारी चंगी जी फ्राई हो रही है, इधर हमारा मसाला रेडी हो रहा है। ये देखिए हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है, अब इसे हम अपना चंगी जी में डाल देंगे सारा। साथ ही इसमें हम अपनी क्रीम ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें हम अपना ये 1/2 कप दूध ऐड कर देंगे। अब इसे हम चला लेंगे। ये एकदम बहुत जायके की बनती है, आप इसे एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करें, खाने में बहुत अच्छी बनती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। यकीन मानिए ये चंगेजी इतनी लाजवाब बनती है। इसे तकरीबन अभी हमारे 6 से 7 मिनट लगेंगे बनने में। तो देखिए हमारी चंगेजी बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमारी चंगेजी ने अपना रोगन भी छोड़ दिया है और ये देखने में कितनी लाजवाब लग रही है। अब इसमें हम अपना ये 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी डाल देंगे, इसे हमने हाथ से क्रश कर लिया है, और ये 2 हरी मिर्ची हैं मोटी वाली, इन्हें बीच में से कट कर लिया, हम ये डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब हमारी चंगेजी बनी है, एकदम खुशबूदार। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारी चंगेजी बन के रेडी हो चुकी है, हमने अपना गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। कितनी लाजवाब कितनी खुशबूदार बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।